हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं जेट प्लांट्स के ऊपर बहुत सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बोनसाई और कुछ टोपियारिस भी हैं जिनको मुझे अब रिपोर्ट करना है, कुछ ट्रिमिंग करनी है, कुछ कटिंग करनी है, क्योंकि इनको बने हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अब ज़रूरी है कि अब हम इनमें रिपोर्ट करें। तो आज का जो प्लांट मैं शेयर करने जा रही हूँ वो ये बोनसाई है। ये देखिए, ये लगभग मेरा 1 साल पुराना है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेम और इसके पैड वगैरह, ये जो पैड होते हैं ये भी आप देख रहे हैं, तो सही कंडीशन में है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है और इसकी रूट्स कैसे हैं और हमें इसमें क्या क्या बदलाव करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा कि कैसे हम इसको रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम हल्के हल्के से इस तरीके से इसको आराम से इसकी मिट्टी हटाएंगे ऊपर की, और बिल्कुल केयरफुल होकर के हटाएंगे जिससे कि यहाँ पर इसकी रूट्स होती हैं वो डैमेज ना हों। तो आराम आराम से देखिए, हमारा ये सॉइल हट रही है। इनको मैं हटा करके नीचे रख दूँगी। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं इसकी सॉइल को धीरे धीरे करके हटा रही हूँ और ये निकल आया है। इसकी मिट्टी को हम पलट देते हैं। इसके बाद इसी सॉइल में हम कुछ मिला लेंगे और नीम खली वगैरह, थोड़ा सा बोन मील और कंपोस्ट, तब उसका अच्छा सॉइल मिक्सचर बना करके फिर उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स इसकी। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं तो इनको हम ट्रिम कर लेंगे, ये जो आपको रूट्स दिख रही हैं। और यहाँ जो ऊपर से इस तरीके से उठा हुआ लग रहा है, इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, रूट मैंने ट्रिम कर दी है। तो बाकी जिस तरीके से यहाँ पर पीछे की साइड में ये उठा हुआ आपको दिख रहा है, इसको भी हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये आ गया है और अब हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा ट्रिम करेंगे, लेकिन लगाने के बाद मैं करूँगी। अब मैं इसका सॉइल मिक्सचर बना लेती हूँ। तो नीचे हमारे दो होल हैं, आपको होल दिख रहे हैं, तो इसी होल को हम पहले कवर करेंगे। मिट्टी के ये गमले के टुकड़े होते हैं टूटे हुए, और मैंने मिट्टी देखिए ऐसे बनाई थी, बीच में ईंट के कुछ टुकड़े भी डाले थे। जेड जैसे प्लांट जो होते हैं उनको रेतीली मिट्टी अच्छी लगती है। नीचे आप थोड़े से कुछ टुकड़े ऐसे बिछा दीजिए, ईंट के हों या गमले के टुकड़े हों। और उसके बाद में थोड़े बहुत कोयले के टुकड़े भी मैंने इसमें डाले थे, ये देखिए आप देख सकते हैं, कोयले के टुकड़े भी हम जरूर डालेंगे। तो थोड़ी सी मैं ये इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दे रही हूँ, थोड़ा सा नीम खली पाउडर है। दोबारा से अब हम इसका सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें कोकोपीट मिलाऊंगी, और जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है फर्टाइल है वो, राइट। तो इस तरीके से बना करके हम मिट्टी भरेंगे, थोड़ी सी हम भर के उसके बाद में इसको फिक्स करेंगे हम। तो दोस्तों, ये मैंने इसमें सॉइल मिक्सचर भर दिया है और अपने जेट प्लांट को लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे इसकी थोड़ी ट्रिमिंग करनी है, थोड़ी कटिंग करनी है, क्योंकि जब मैं इसकी ट्रिमिंग और कटिंग करूँगी तभी इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी। तो मैं ऊपर ऊपर से देखिए, यहाँ से इनकी जो ब्रांचेस हैं इसको उस तरीके से काट दूँगी। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उन सबको मैं काट दूंगी, और काटने के 15 से 20 दिन में ये अच्छी सी ग्रोथ कर लेगा और
फिर इसमें और नई नई ग्रोथ आएंगी, नई ब्रांचेस आएंगी और नई ही लीव्स आएंगी। तो ये जो मुझे कटिंग मिल रही है इनको मैं फिर लगा लूँगी किसी हैंगिंग बास्केट में, और इससे मेरे और नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ भी और यहाँ भी ये मैंने सब कट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो ब्रांच आपको दिख रही हैं इनको मैंने वायर से बांधा हुआ है, और एक ऊपर से तो ये पैड बन गया है, और नीचे आपको दो ब्रांच नज़र आ रही हैं। जैसे ये बड़ा होगा तो इसकी ये दो ब्रांच आपको तब भी नज़र आने आएंगी, क्योंकि तभी ये अच्छा लगेगा। जब इसकी ब्रांच हमें सामने से नज़र आती हैं तभी देखने में ये सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ से भी दोस्तों मैंने कट कर दिया है। तो ये था आज का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने के बाद में जो हमें कटिंग मिलेंगे उन सबको दोस्तों हम बेकार नहीं करते हैं, सबको लगा लेते हैं, तभी हमें और नए नए प्लांट मिलते हैं। तो बताइएगा कि आपको ये मेरा बोनसाई कैसा लग रहा है, और इस तरीके के मैंने और भी अब बनाए हुए हैं जिनकी ग्रोथ अब हो रही है। तो टाइम टू टाइम मैं उन सबको देखती रहती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप भी अगर बनाना चाहें तो बनाइएगा, यदि इस समय आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा, मार्च तक, अदरवाइज़ आपको रेनी सीजन में ये बनाने होंगे, क्योंकि फिर गर्मी में ज़्यादा इनका छेड़ना ठीक नहीं रहता है। गर्मी उस समय हम इनकी ग्रोथ होने देंगे, फिर रेनी सीजन में हम इन पर काम करेंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय।